दोस्तों ये पार्ट टू है, एंजॉय दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चीता घूमते हुए दिख रहा है, एकदम बिल्कुल यार शानदार लगता है। यहाँ पे देखिए शीशा लगाया गया है, बट इधर खाली है, बिल्कुल झंझरी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गड्ढा दिख रहा होगा, यहाँ पे गड्ढा है, और इसलिए कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं एक हाथ में ढंचा गया है कि किसी पर अटैक ना करे, का प्रॉब्लम किसी के ना हो सके, किसी के क्षति ना पहुँच सके। देखिए अभी जानवर दिख रहा है जो चीता यहाँ पे घूम रहा है, बाकी सभी तो पड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं बहुत ही जीव का संख्या जो है बहुत ही कम है। तो गाइस यहाँ पे टाइगर है, अब हम इसको नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ का क्या है, और इसमें पढ़ेंगे तो हम बहुत सारा समय ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग सैर करने आते हैं यार, बहुत ही शानदार जगह है। और गाइस मैं अपने जीवन का फर्स्ट चिड़िया घर घूम रहा हूँ, बिल्कुल शानदार लग रहा है, बिल्कुल गजब लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बाघ टाइगर यहाँ पे बाल कट रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यार, कहीं ना कहीं किताब में दिखा करते थे लेकिन आज सच्चाई में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देसी भालू है, ऐसे हम बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं। और यार यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, इसमें पानी भी है, इसको बिल्कुल हम नज़दीक से देख रहे हैं। और यहाँ पे कोई जाली वगैरह नहीं दिया गया है, गड्ढा दिया गया है इसीलिए, और इसका मांद भी शायद बनाया गया वहाँ पे दिख रहा होगा मांद वगैरह, देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मात्र दो ही ठो भालू है जो देसी भालू है। तो यार कहीं ना कहीं बहुत कम जनसंख्या में बनने हैं जीव है, तो इसे बचाना बहुत अनिवार्य है। साथ में इसका मानचित्र ही बना दिया गया है ताकि लोग नज़दीक ना जा सके तो रास्ते में देख सकें। यहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रिच दिख रहा है, यहाँ पे सभी भी लंच कर रहा है। देखो भाई इसका गर्दन बहुत लंबे है, और इसका एक उधर उतर केले पकड़ा। तो गाइस अभी जो दिखा रहे थे शुतुरमुर्ग था, और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाला है शुतुरमुर्ग पक्षी है। और इसका गर्दन जो गुलाबी होते हैं, जबकि दक्षिण हिस्से में पाए जाते हैं, और इंसान और किसी भी शिकारी के लिए यह घातक हो सकती है शुतुरमुर्ग। और इसके बारे में आप लोग तो पढ़े किए हैं, कुछ तो आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे देखिए अभी नाश्ता कर रहा है भाई, जैसे हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका गर्दन गुलाबी होता है, और सारा चीज़ उस नोटिफिकेशन में आप पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट अब जानवर को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे यार कितना झकास लग रहा है यहाँ पे। अभी देखिए अपना चेहरा जो दिखा रहा है, कितना बड़े गर्दन, बहुत लंबे गर्दन होते हैं, और इसका पेट वगैरह भी बहुत ऊँचे होते हैं। वहाँ चल रहा है अभी। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ भालू, जिसे हम बचपन में भी इसे पढ़ा करते थे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसका, भालू किस प्रजाति का होता है, कहाँ के है, और इसका भोजन क्या है, सारा चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद और इसका हम पिक दिखाते हैं जो अभी सुता हुआ है, और इसका भी बिल्कुल खुला है इसका कोई। और यहाँ पे गड्ढा बना दिया गया है, और यहाँ पे खुला है, यहाँ पे तीन चार लोग हैं जो अभी सोए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे सैर करने के लिए बहुत लोग आते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, यहाँ पे जो फूल पत्ती है उसे कभी भी तोड़े नहीं, अच्छे लगने के चक्कर में आप लोग तोड़े नहीं कभी, ये मेरा संदेश है।